ESPN. Adi Marwalim. ट्रैफिक पुलिस की बदमाशी ट्रैफिक पुलिस बर्बाद दो महीने से जनाब मोहतरम डीएसपी ट्रैफिक साहब ने हम पर जो क़यामत ढाई हुई है, हर रोज़ तकरीबन 500 से 1000 रुपये जुर्माना रिक्शा ड्राइवर बेचारों को, जो अपना रिस्क हलाल कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, उनको पाबंद सलासल कर दिया गया और ना ही उनकी ज़मानत होने दी जा रही। अगर यही रिक्शा वाले जो अपना रिस्क हलाल कमा रहे थे आज घर में बैठ जाएंगे तो जाहिर है कल उन्होंने मनफी हरकतें करनी है, कोई डाके डालेगा, कोई चोरियाँ करेगा, कोई डकैती करेगा। बजाय इसके कि वो रिस्क हलाल कमाएं, उनको बंद किया जा रहा है, उनको रागिब किया जा रहा है कि वो गलत काम करें। जनाब हम इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी कर हमारे इन फटे रिक्शों को बहाल किया जाए ताकि हमारा भी काम चलता रहे और जो गरीब बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, रिस्के हलाल कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनके पर पाबंदी न लगे। वो फट्टा रक्षा गैर कानूनी है, उसमें भी ये टीएम जो है ना 300 रुपए पर मंथ रक्षे से वसूल कर रहा है, या इनको भी बंद किया जाए अगर गैर कानूनी है तो इनका टेंडर 1,46,00,000 का क्यों हुआ है? हम इसकी भरपूर मजम्मत कर दें और एहतजाज कर दें कि मेहरबानी करके रमज़ान शरीफ का महीना है, रक्षे को छोड़ा जाए और गरीब मजदूर बेचारे ये कहाँ से करेंगे? जी फट्टा रिक्शे वाले एक्सीडेंट करते हैं, अरे खुदा के बंदे बसें भी एक्सीडेंट कर रही हैं, कारें भी एक्सीडेंट कर रही हैं, ट्रक भी एक्सीडेंट कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी एक्सीडेंट कर रही हैं, तो सबको बंद कर दें। रेलवे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको सबको बंद कर दें। एक्सीडेंट तो सब चीज़ों के हो रहे हैं, तो फट्टे वाले को शहर में सप्लाई करते हैं, खुदा ना खास्ता इनसे कोई गलती हो भी गई है तो इसका ये मकसद नहीं है कि उनको हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाए। अगर एक्सीडेंट को आपने ही वो बनाना है तो फिर बसों को बंद करें। सारी मीडिया को बुलाया है और उन्हें दिखाने के लिए कि भी देखें हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, या तो अगर डीएसपी ट्रैफिक रियाज के असरानी ने कार्रवाई करनी है तो बड़ा इम्तियाज कार्रवाई करें तमाम लोगों के खिलाफ। ये सिर्फ हमारे डिलीवरी वालों के रक्षों को जनाब चलान करके हमें पाबंद सलासल किया जा रहा है, हमारे रक्षों को बंद किया जा रहा है, हम ये बात कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये एहतजाज अब बढ़ के अंजुमन तक जाएगा। हम इसमें कोई मसद रियायत नहीं करेंगे जाना जी, और नेक्स्ट में जो हम मसद करने जा रहे हैं हम शहर की डिलीवरी बिल्कुल कत्ते तौर पे बंद कर देंगे जाना जी। हम ये बात जो ना कि हमारे रिक्शे वालों को मसद चलान किए जाएं, इन्हें थाने बंद किया जाए और फिर अदालतों के धक्के खाते रहें। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें मजदूरी करने का हक दिया जाए, ना कि हमें जलील ख्वार किया जा रहा है जाना जी। और ये छोटे छोटे इस बच्चे को देख ले मीडिया जाना जी, इस बच्चे पे FIR दी है और इस बच्चे ने अदालत से अपनी जमानत कराई है जाना जी।